गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल मॉमीज लाइफ माई वे। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन गाइज। टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट स्टाइलिंग माई ओन लखनवी कुर्तीज। मेरे पास कुछ हैंडफुल लखनवी कुर्तीज है जो मैं इस वीडियो में स्टाइल करने वाली हूँ। बेसिकली लाइक फेस्टिव सीजन इज राउंड द कॉर्नर। अभी गणपति चल रहे हैं, इसके बाद नवरात्रि, इसके बाद दिवाली, यू नो ऑल द फेस्टिविटीज आर लाइक इन द लाइन। सो थॉट ऑफ कमिंग अप विद दिस काइंड ऑफ वीडियो जहाँ पे मैं अलग अलग अपनी लखनवी कुर्तीज है जो मैं आपको इस वीडियो में स्टाइल करके बताने वाली हूँ। अगेन मैंने ऐसे पुराने वीडियोज किए हुए हैं जहाँ पे मैंने एक सिंगल लखनवी कुर्ती मल्टीपल वेज में स्टाइल की हुई है, उसका जो लिंक है मैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाल दूंगी। इसके बाद बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले ये जो व्हाइट कुर्ती है, इसको जो है मैंने ये व्हाइट लेगिंग्स एंड ब्लैक ऑक्सीडाइज इयररिंग्स के साथ पेयर अप किया हुआ है। क्योंकि ये पूरा व्हाइट है, इसके साथ आउटफिट पूरा व्हाइट हो जा रहा है, इसके लिए मैंने इसके साथ इंडिगो जुत्तीस पहनी हुई है, विच लुक्स रियली रियली नाइस एंड एक थोड़ा सा यू नो अच्छा लुक दे देती है। यू नो थोड़ा सा मोनोक्रोम जो हो रहा है पूरा व्हाइट ऑन व्हाइट, उसको हम लोग ने इंडिगो के साथ थोड़ा सा ब्रेक करके इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। अगर आपके पास सेम इंडिगो कलर का बैग है तो आप वो भी कैरी कर सकते हैं। मेरे पास इंडिगो बैग नहीं है, सो दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पे बैग कैरी नहीं किया है। एंड झुमकीज की बात करूँ तो ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे, जिसकी डिटेल्स इन माई मीशो हॉल वीडियो में है। तो ये था मेरा फर्स्ट लुक जहाँ पे मैंने फुल व्हाइट ऑन व्हाइट पेयर किया हुआ है। अगर आप यू नो थोड़ा सा मोनोक्रोम लुक चाहते हैं या फिर आपको व्हाइट कलर बहुत ज्यादा पसंद है तो यू कैन गो अहेड एंड ट्राई दिस लुक। उसके बाद सेकेंड लुक में मैंने ये येलो लखनवी कुर्ती पहनी है। एक्चुअली ये प्रिंटेड मल कॉटन है, इसके ऊपर इन्होंने लखनवी वर्क किया हुआ है। ये कुर्तीज मैंने बहुत बार ऑफिस के लिए भी पेयर की हुई है, आई गेस ऑफिस वाले वीडियोज में भी है, बट दिस टाइम आई वांट टू ट्राई इट लाइक थोड़ा सा फेस्टिविटी के हिसाब से। और मैंने इसको ऑक्सीडाइज नेकलेस और इस इयररिंग्स के साथ पेयर किया हुआ है विद दिस मिरर जुतीज। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत यू नो फेस्टिव टर्न हो गया है बिल्कुल लुक एकदम, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एंड इयररिंग्स एंड जुतीज की वजह से। मिरर जुतीज पहनी हुई है तो थोड़ा सा यू नो अपने आप में ही फेस्टिव है, तो इसके लिए इसका लुक पूरा चेंज हो गया, फेस्टिव हो गया है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई मलमल प्रिंटेड कॉटन लखनवी कुर्ती है तो यू कैन स्टाइल इट लाइक दिस विद सम काइंड ऑफ हैवी ज्वेलरी एंड नाइस पेयर ऑफ शूज, तो या मतलब यू नो आराम से फेस्टिव लगने लग जाती है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में मैंने ये जो नेवी ब्लू, ये भी मल कॉटन में लखनवी है प्रिंटेड, बट ये जो है शॉर्ट है, आप देख रहे होंगे कि ये शॉर्ट लेंथ में है, ये फुल लेंथ में नहीं है। जो पिछली येलो वाली थी वो फुल लेंथ में थी, दिस इज लाइक काइंड ऑफ नी लेंथ से थोड़ा सा ऊपर। ये आप जीन्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको व्हाइट पैंट सिगरेट पैंट्स के साथ यहाँ पे पेयर किया हुआ है, क्योंकि अगेन जो व्हाइट एम्ब्रॉयडरी है यू नो व्हाइट लखनवी वर्क है उसके तरह व्हाइट पैंट्स ही अच्छी लगती है। अगर आपके पास लखनवी पैंट्स वर्क किए हुए हैं, लखनवी पैंट्स भी आजकल बहुत ज्यादा मिलते हैं, अगर आपके पास वो वाली है तो गो अहेड एंड पेयर इट विद इट। मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने सिंपल सिगरेट पैंट्स के साथ ही इसको पेयर किया हुआ है। अगेन इट गिव्स, मैंने जो यही वाला नेकलेस आई थिंक मैंने इसके ऊपर पहना है, बट इट लुक्स सो ब्यूटिफुल ऑन दैट कुर्ती। ये लुक जो है पूरा नेक्स्ट लेवल में एलिवेट हो जा रहा है, और इसके ऊपर मैंने ये सेम इंडिगो जुतीस पहनी हुई है, पेयर की हुई है अगेन, विच लुक्स वेरी मच विद द कोऑर्डिनेटेड, लुक्स लाइक वेरी मच कोऑर्डिनेटेड विद द टॉप। इसके लिए आउटफिट टुगेदर ऑल टुगेदर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास ऐसी कोई कुर्ती है जो मल कॉटन प्रिंटेड लखनवी है, यू शुड गो अहेड एंड पेयर इट अप लाइक दिस। उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन है मेरा ग्रे कुर्ती। अगेन ये ग्रे कुर्ती इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, क्योंकि इसको मैंने बहुत बार पहना है, बहुत बार स्टाइल किया है, बट दिस काइंड ऑफ कुर्तीज आर लाइक दे नेवर गो आउट ऑफ फैशन। ये जॉर्जेट मटेरियल में है एंड इसके ऊपर पूरा जाल लखनवी वर्क किया हुआ है, पूरा फ्रॉम नेक टू बॉटम पूरी तरीके से ये भरी हुई है लखनवी प्रिंट से, इवन स्लीव्स पूरा यू नो जो अंगरखा साइड बटन काइंड ऑफ डिटेलिंग इसके ऊपर आप देख सकते हो। इट लुक्स सो रिच इन इट सेल्फ। इसके लिए मैंने इसको जो है बहुत ही सिंपल नेकलेस एंड इयररिंग्स के साथ पेयर किया हुआ है। अगेन सिल्वर लखनवी के साथ मेरे हिसाब से यू नो सिल्वर काइंड ऑफ ज्वेलरी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने सारे ही आउटफिट्स के साथ यू नो सिल्वर ज्वेलरी पेयर की हुई है टू एक्सपेरिमेंट एंड ऑल्सो टू आपको बताने के लिए कि यू नो सिल्वर ज्वेलरी आजकल इतनी इन फैशन है कि आप लखनवी कुर्ती के साथ आराम से पेयर अप कर सकते हैं।
इसको जो है मैंने अगेन मिरर वर्क वाले जूतीज के साथ पेयर किया हुआ है. इट लुक्स अगेन फैब क्योंकि ये ग्रे कलर का आउटफिट है. इसके साथ मल्टी कलर वाले जूतीज मिरर जूतीज पहने हुए तो ऑटोमेटिकली इसका जो लुक है वो एम्प अप हो गया है इसकी वजह से. एंड मैंने इसको सिंपल ही नेकलेस के साथ पेयर किया बिकॉज वो कुर्ती बहुत ज़्यादा प्रिंटेड है, बहुत ज़्यादा अपने आप में एक स्टेटमेंट लुक है. इसीलिए जो है मैंने इसको बहुत सटल नेकलेस और इयररिंग्स के साथ पेयर किया हुआ है. अगर आपके पास ऐसी जॉर्जेट कुर्तीज नहीं है तो दिस इज माई रिकमेंडेशन दैट यू शुड एटलीस्ट हैव वन दिस काइंड ऑफ कुर्ती इन जॉर्जेट लखनवी जो आप यू नो आराम से ड्रेस अप करके ड्रेस डाउन कर सकते हैं इन लाइक सेकेंड्स. आपके पास ऐसी कुर्ती जरूर होनी चाहिए. तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताना इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और बहुत सारी स्टाइलिंग वीडियोज आने वाली है मेरे चैनल पे बिकॉज इट इज लाइक फेस्टिव सीजन लाइक ऑन, तो इसलिए बहुत सारे स्टाइलिंग वीडियोज आने वाली है मेरे चैनल पे. इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर.